बच्चों कैसे हो। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, कहाँ में देखा था हम लोगों ने? तो हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सिस पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, एक्सिस पे कोई पॉइंट है, एट दैट पॉइंट व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो हम लोग डिराइव किए थे कितना होता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, आई होप दैट वॉज P/r². ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, एट अनदर पोजिशन। ओके, कहाँ पे देखेंगे? इक्विटोरियल लाइन पे। इक्विटोरियल पोजिशन जो होता है, इक्वेटर होता है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लें और उस पॉइंट पे देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा। लेट अस कंसीडर, हियर इज अ डाइपोल, हियर इज ए डाइपोल। डाइपोल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल नो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज लो और उसको एक शॉर्ट डिस्टेंस पे ले जाके रखो, तो बन गया डाइपोल। ये इसका हो गया सेंटर, एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन जो होता है दैट इज इक्वेटर, दिस इज सेंटर ओ। ओके, और एक चार्ज का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर दैट इज एल, ये डिस्टेंस यहाँ से इस चार्ज का डिस्टेंस एल, यहाँ से इस चार्ज का डिस्टेंस एल, मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम कितना लेके चल रहे हैं, दैट इज 2L। ओके, सो लेट्स सी, डिस्टेंस ऑफ वन चार्ज फ्रॉम द सेंटर दैट इज एल एंड डिस्टेंस ऑफ अनदर चार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल दैट इज ऑल्सो एल, दिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस सेंटर, सेंटर से आर डिस्टेंस पे इक्वेटर पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो ये हो गया सेंटर। इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे, हियर एट दिस पॉइंट लेट इट बी ए, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, दिस इज पॉइंट ए, ये सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। फ्रॉम द सेंटर से ये पॉइंट का डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल चाहिए उसका डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, तो सेंटर ऑफ डाइपोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, दैट इज आर, दिस इज गिवेन टू अस। ओके, एंड वी नीड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। ओके, एट ए, तो क्या करना है, माइनस क्यू के कारण लिखो, प्लस क्यू के कारण लिखो, बस हो गया। ओके, सो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, देखें द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ए, ओके कितना होगा, लेट इट बी ई इज ए, वी इज इक्वल्स टू माइनस क्यू के कारण, किस किस के कारण, ये माइनस क्यू के कारण कितना होगा, प्लस क्यू के कारण कितना होगा, तो माइनस क्यू के कारण कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट, ये जिस पॉइंट पे हमको चाहिए उस पॉइंट का इस चार्ज से क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, दिस वन। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, उस पॉइंट का चार्ज से क्या डिस्टेंस है, दैट इज, दैट मस्ट बी नोन। ओके, तो यहां से हमने देखा कि ये जो हमारा पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू, इससे ये जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, दिस पॉइंट ए, यहां से कितना डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज, दिस डिस्टेंस इज एल एंड दिस डिस्टेंस इज आर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, सो दिस विल बिकम L² + R² √L² + R² क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये आर है, ये एल है, तो ये हाइपोटेनस का लेंथ दैट इज दिस, तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हियर चार्ज बाय डिस्टेंस माइनस क्यू के कारण, तो दिस विल बिकम हाउ मच, दैट इज L² + R² दिस। ये हो गया माइनस क्यू के कारण, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे कितना होगा, वो भी सेम ही हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट + Q / डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, सेम ही इस चार्ज से, ये चार्ज के कारण हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे हैं, तो ये वाला चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, जितना ये है उतना ये भी होगा,
ओके अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि सिमेट्रिक है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस हो गया। तो टोटल पोटेंशियल कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, देखो तो ये हो गया माइनस ऑफ दिस, ये प्लस ऑफ दिस, जितना नेगेटिव पोटेंशियल उतना पॉजिटिव पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल कितना आ गया जीरो दिस। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इक्वेटर, इक्वेटर तो ई क्यू लिख देते हैं, इक्वेटर पे, इक्वेटर पे पोटेंशियल कितना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, कुछ करना ही नहीं, देखो इस नेगेटिव चार्ज के कारण कितना हो गया दिस मच, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना हो गया दिस मच चार्ज बाय डिस्टेंस, बस एक पॉइंट चार्ज के कारण कहीं पे भी पोटेंशियल चाहिए, तो क्या देखना है किस चार्ज के कारण चाहिए किस पॉइंट पे चाहिए, तो चार्ज बाय उस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके तो हमने देखा कितना आ गया जी, बस हो गया। हमने देखा था कि डियर स्टूडेंट्स एक्सिस पे, हमने देखा था कि जब हम एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे थे तो एक्सिस पे कितना था, दैट वाज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय अंडर रूट पी बाय आर स्क्वायर। ओके इक्वेटर पे कितना है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे इक्वेटर पे पोटेंशियल कितना होता है जीरो, एक्सिस पे हम लोग देखे थे कितना होता है, इक्वेटर पे कितना होता है ये हम लोगों ने देखा। ओके कितना जीरो, तो इक्वेटर पे कहीं भी देखो, यहां एनीवेयर, ओके एवरीवेयर यू विल गेट द पोटेंशियल जीरो ऑन द इक्वेटर। ओके दिस क्योंकि दोनों चार्ज से इक्वी डिस्टेंस पे है और दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल और अपोजिट भी है, तो कहीं भी लिखो इक्वेटर पे हर जगह में पोटेंशियल कितना मिलेगा जीरो। ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट अस सी द नेक्स्ट वन, हमने एक्सिस पे देखा कितना होता है, इक्वेटर पे देखा कितना होता है, अब हम देखेंगे, अब कहां पे देखना है किसी जनरल पॉइंट पे देखें, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो चलो देखते हैं किसी जनरल पॉइंट पे। जनरल पॉइंट का मतलब है कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल देखना है वो ना ही एक्सिस पे होना चाहिए ना ही इक्वेटर पे होना चाहिए। ओके लेट्स सो देखिए थर्ड, एट एनी पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी। ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ओके किसी भी पॉइंट पे देख लो दिस। नाउ लेट अस सी, लेट अस कंसीडर, हियर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज माइनस क्यू डियर स्टूडेंट्स, और ये हो गया प्लस क्यू, प्लस क्यू बन गया डाइपोल हमारा, ये हो गया इनका सेंटर दिस। ओके ये क्या होता है एक्सिस, ये इक्वेटर। ओके डियर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, दैट इज पी इंटू क्यू, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, टू एल क्या है इनके बीच का डिस्टेंस, ओके क्यू इनका मैग्नीट्यूड किसी एक का ले लो। ओके और डायरेक्शन किधर से किधर होता है, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये जो डाइपोल मोमेंट है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है दिस मच, डायरेक्शन किधर से किधर हमने देखा था। ओके तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी। हमको क्या चाहिए डियर स्टूडेंट्स, हमें यहां से ये जो इसका सेंटर है इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे, यहां में ये हो गया जाता है एक्सिस, दिस इज एक्सिस, ये होता है लाइन इक्वेटर, तो ना ही एक्सिस पे ना इक्वेटर पे। ओके किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, लेट्स सी, लेट अस कंसीडर हियर इज अ पॉइंट ए, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ए, तो जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल चाहिए उस पॉइंट का सेंटर से कितना डिस्टेंस है ये तो नोन होना चाहिए, तो दिस डिस्टेंस इज गिवन डियर स्टूडेंट्स, ये यहां से सेंटर से कितना डिस्टेंस पे इज एट आर डिस्टेंस, तो हमको क्या चाहिए, वी नीड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी हैव टू डिराइव, हैव टू फाइंड क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट विच पॉइंट, एट ए, ए पॉइंट पे चाहिए, ओके विच इज
एट आर डिस्टेंस, एट आर डिस्टेंस ओके, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम सेंटर ओके, फ्रॉम ओ ओके, सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई जनरल पॉइंट है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ओके okay? और ये चीज हमको पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ डाइपोल टू ए टू दिस पॉइंट ओके, ये लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल बना रहा है, इज द एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग विद ज्वाइनिंग पॉइंट ए टू द सेंटर ओके। ये जो पॉइंट ए, जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल चाहिए, इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा ओके। दिस तो ये थीटा भी गिवेन है ओके, द एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग क्या क्या इसको पॉइंट ए, जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल चाहिए ओके, टू द सेंटर टू ओ विथ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल बना रहा है, इज थीटा। ये जो थीटा है डी स्ट्रेस, ये क्या है, सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन, ये डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा ओके। ये हमको गिवन है सब कुछ, वी नीड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, हमको इस डाइपोल के कारण क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, कहां पे, एट ए। तो चलो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किया था, वहां में हमने जो किया था यही हम भी कर देंगे ओके। तो क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं, एक इधर की तरफ इस लाइन के अलावा, दूसरा उसके परपेंडिकुलर, किसी भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, जिधर से एंगल पता होता उधर में कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, साइन। तो लेट अस ब्रेक इट इनटू कंपोनेंट्स ओके। तो इस पी को हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं ओके, लेट्स देखो नेक्स्ट डायग्राम में कर देते हैं। सो नाउ लेट अस ब्रेक द पी इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं, या बोले इनके कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर ले। तो चलो कर देते हैं, इट्स सो सिंपल ओके। तो क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, पी को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देना है। तो चलो ब्रेक कर देते हैं, हमने ये पी हमारा डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है, इधर जिधर से एंगल की, एंगल किधर से पता है, ये लाइन से, तो जिधर से एंगल पता है उधर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो इधर की तरफ क्या हो गया, इन दिस डायरेक्शन, ये जिधर से एंगल पता है डियर स्टूडेंट्स, जिधर से एंगल बनाता है वेक्टर, उधर में क्या होता है, कॉस कंपोनेंट। तो इन दिस डायरेक्शन ये इधर की तरफ क्या हो जाएगा, इन दिस डायरेक्शन दैट इज पी कॉस थीटा दिस ओके। और इसके परपेंडिकुलर दिस, इसके पी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो P cos theta के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा, that will be dipole moment होगा, that is P sin theta. So this one is P sin theta. इधर में हो गया P cos theta, इधर में P sin theta. और जब हम किसी वेक्टर्स को, किसी भी वेक्टर को, यहां में वेक्टर क्या है, डाइपोल मोमेंट, किसी भी वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं, तो क्या होता है, उस वेक्टर का काम खत्म। अब हमारे पास दो डाइपोल मोमेंट हैं, हमारे पास देयर आर टू, हमने इसको ब्रेक कर लिया दो वेक्टर्स में ओके, पी को, पी डाइपोल मोमेंट, तो उसको हमने ब्रेक किया, तो हमको दो न्यू डाइपोल मोमेंट्स मिले, एक कट एक दो डाइपोल मिल गए, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। इधर वाला जो डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, पी कॉस थीटा, और ये जो है डाइपोल है, उसका डाइपोल मोमेंट कितना है, पी साइन थीटा। और दोनों के दोनों डाइपोल क्या है, कोसेंट्रिक, जहां में ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट का सेंटर था, वहीं में इनका भी सेंटर होगा, सेंटर यहीं पे दिस ओके। तो अब इसका काम दी स्टूडेंट्स खत्म, अब हम इसको हटा सकते हैं ओके। तो देखो क्या हो गया, ए पॉइंट का लोकेशन देखें, लेट्स सी द लोकेशन ऑफ ए, अगर हम लोकेशन देख पाएंगे पॉइंट ए का,
then we can write down electric potential, okay, at A due to these dipoles, okay, point A. तो फर्स्ट देखो कहां में है, पॉइंट ए इज डियर स्टूडेंट, ये जो पी कॉस थीटा है, पी कॉस थीटा उसके सामने में, और डाइपोल मोमेंट के सामने, डाइपोल मोमेंट के अलोंग जो लाइन होता है वो क्या होता है, एक्सिस। डाइपोल मोमेंट के अलोंग जो होता है एक्सिस, मतलब जो हमारा ए पॉइंट है वो पी कॉस थीटा जो डाइपोल मोमेंट है ये इसके एक्सिस पे है, ओके। तो ए इज एट एक्सिस ऑफ, किसके एक्सिस पे है, ऑफ पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा के एक्सिस पे डियर स्टूडेंट्स, ओके। और कहां में और का क्या बता सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में, ये डाइपोल तो इसके देखो क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। तो किसी भी डाइपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो क्या होता है, इक्वेटर। तो ये P sin थीटा जो डाइपोल मोमेंट है इसके परपेंडिकुलर पोजीशन पे है, मतलब इक्वेटर पे। तो A इज एट इक्वेटर ऑफ P sin थीटा, डन। P cos थीटा के एक्सिस पे एंड P sin थीटा के इक्वेटर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लिख दो एक्सिस पे कितना होता है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पी कॉस थीटा एट ए, ओके, एट ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, ओके। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए ड्यू टू पी कॉस थीटा, ये पी कॉस थीटा के कारण कितना होगा, ओके। तो लेट इट बी वी वन, V1 is equals to कितना हो जाएगा, 1 by 4 pi epsilon naught, एक्सिस पे कितना होता है, डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट क्या है, P cos theta by distance square, तो सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, सबका सेंटर यही है, तो यहां से कितना डिस्टेंस पे आप, तो डाइपोल मोमेंट by distance square, ये हो जाता है एक्सिस पे, ओके। इक्वेटर पे कितना होता है, यहां में देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ए किसके कारण, ड्यू टू पी साइन थीटा, ये नेक्स्ट वाला जो डाइपोल मोमेंट है, ओके, जिसके इक्वेटर पे है ए, तो कितना हो जाएगा, लेट्स से वी टू, इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, जीरो, एक्सिस पे कितना होता है, दिस मच, इक्वेटर पे ये, क्योंकि ए पॉइंट जो है इसके इक्वेटर पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजिशन, ओके। और ये पी कॉस थीटा के अलोंग क्या होता है, एक्सिस, तो P cos थीटा जो डाइपोल मोमेंट है उसके एक्सिस पे है A, P sin थीटा के कहां पे है, इक्वेटर पे, तो दोनों के कारण हमने पोटेंशियल लिख लिया। P cos थीटा के कारण कितना है, दैट इज एक्सिस पे हमने निकाला था, तो एक्सिस पे क्या होता है, डाइपोल मोमेंट बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डाइपोल मोमेंट कितना है, P cos थीटा, तो P cos थीटा बाय डिस्टेंस स्क्वायर, इक्वेटर पे कितना होता है, जीरो, तो हमने इक्वेटर पे निकाल लिया डियर स्टूडेंट्स, जीरो, ओके। अब टोटल कर दो, सो टोटल पोटेंशियल एट ए, सो टोटल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए एट दिस जनरल पॉइंट ए कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू, वी वन प्लस वी टू, तो कितना आ गया, 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, डियर स्टूडेंट्स दिस, ओके। तो हमने यहां से डिराइव किया डियर स्टूडेंट्स कि एट दिस पॉइंट ए ड्यू टू दिस डाइपोल, इसी के ओरिजिनल डाइपोल तो यही था ना, इस डाइपोल से के सेंटर से आर डिस्टेंस पे एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, डियर स्टूडेंट्स दिस मच, ओके, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, ओके, किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, दैट इज पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, दिस मच। डियर स्टूडेंट्स कैसे करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट था उसको हमने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, ये कंपोनेंट जिधर से एंगल पता है, ये लाइन के अलोंग, जो लाइन सेंटर, सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है, उधर के अलोंग क्या हो गया, P cos theta और इसके perpendicular P sin theta,
जब हम किसी वेक्टर को, डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जब हम किसी वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं, देन व्हाट हैपेंस, इसका काम खत्म। देयर आर टू डाइपोल मोमेंट, सब मिल गया आपको, एक का डाइपोल, दो डाइपोल है, एक का डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा, दूसरे का डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा। बस देख लो, ए पॉइंट जो है वो पी कॉस थीटा के क्या है, इक्वेटर पे, एक्सिस पे, ये लाइन के लॉन्ग, तो एक्सिस होता है डाइपोल के लॉन्ग, ओके। और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होता है, दैट इज इक्वेटर, तो ए पॉइंट क्या है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पी साइन थीटा के, ए इज एट इक्वेटर ऑफ पी साइन थीटा। तो हमने लिख लिया कि पी कॉस थीटा के कारण कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पी साइन थीटा के कारण कितना होगा, दोनों डाइपोल मोमेंट्स के कारण हमने पोटेंशियल लिखा, उसके बाद टोटल कर दो, यू विल गेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, ओके। दिस नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहीं से हम लोग देखे थे पहले से कि एक्सिस पे कितना होता है, इक्वेटर पे कितना होता है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, ओके। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इसी चीज को अगर हम वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ओके, लेट्स सी कैसे करेंगे। देखो, अगर ये पॉइंट हमने देखा कि ये एक्चुअली जो डाइपोल मोमेंट है, दिस वन, ये डाइपोल मोमेंट था हमारा पी, और ये इसका सेंटर, ये क्या हो गया, दिस इज इक्वेटर एंड दिस वन इज एक्सिस, ये डाइपोल मोमेंट, ओके। ये माइनस क्यू यहाँ पे प्लस क्यू है, दिस डाइपोल मोमेंट ये हो गया। यहाँ पे कोई पॉइंट है, हियर दिस पॉइंट, इसी पॉइंट पे हमने निकाला है, ये एंगल कितना है, दैट इज थीटा, ये डिस्टेंस कितना है सेंटर से इस पॉइंट का, दैट इज आर, तो ये इक्वेटर है, ये एक्सिस है। जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल चाहिए था, वो ना ही अभी इक्वेटर पे है, ना ही एक्सिस पे, ओके डियर स्टूडेंट। अब अगर हम इस चीज को वेरीफाई करें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, दैट इज 1/4πε0 पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन, जो किस लाइन, जो लाइन सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है, वो डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा, ओके। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी, अगर ये पॉइंट, दिस पॉइंट, ये पॉइंट को हम यहां पे ले आए, जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल चाहिए वो कहां पे आ जाए, इक्वेटर पे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो यहां पे रखो cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो, तो पूरा जीरो, इक्वेटर पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे ले आए एक्सिस पे, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, कहाँ पे, ए पे, इस पॉइंट को हम कहाँ ले आए, एक्सिस में। अगर इस पॉइंट को हम एक्सिस में ला के रखेंगे, तो ये जो लाइन है ज्वाइन करने वाला पॉइंट को, ऐसे हो जाएगा, तो कितना एंगल हो जाएगा ये, थीटा, जीरो। इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आओ, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, ऐसा, तो एंगल मेड बाय दिस लाइन विद दिस डाइपोल कितना, जीरो। तो यहाँ पे रखो cos 0 कितना होता है, 1, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा एट द एक्सिस, 1/4πε0 p/r², ये हमने डिराइव किया था, ओके। तो हमने इस पॉइंट पे देखा है डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा जनरल पॉइंट पे, ओके। सो ये एक थोड़ा बेसिक होता है, हमने पॉइंट चार्ज के कारण देखा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए डाइपोल के कारण, ओके। एक्सिस पे कितना होता है, इक्वेटर पे कितना होता है, ये थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, ओके। थोड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होगा तभी चीज़ें हमारे समझ में आती हैं, ओके। और डियर स्टूडेंट्स, हमने बार बार बोला है कि अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करना है, ओके, फिजिक्स में थोड़ा एक्सपर्ट बनना है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट, ओके, यू आर मेंटेनिंग योर कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी, ओके। तो बी कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूस, ओके, विदाउट कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी, ओके, वन कांट गेट द एक्सपर्टाइज या वन कांट डेवलप द इंटरेस्ट इन द फिजिक्स, ओके। तो अगर हमको फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करना है, फिजिक्स इंटरेस्टिंग तभी लगेगा जब हम उसमें कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, ऑनेस्टी बना के रखेंगे, ओके। अपने आप में ऑनेस्ट बनो, ओके। क्या समझ में नहीं आता है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज़ अगर अपने आप से एनालाइज नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कर सकते, डाउट ऑब्वियसली जल्दी क्लियर नहीं होगा, ओके, आपसे, क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो गए, ओके। तो आई एम हियर, ओके, यू मे आस्क मी एनी ऑफ
the doubt, any doubt related to the physics, okay, in the comment of the video, or you may WhatsApp, okay, or call me or mail me, okay. My contact number and the email ID is provided in the description of the video, okay. Video के description में मिलेगा, वहाँ से आप contact करके पूछ सकते हैं कोई भी doubt होने से, you may contact me personally, okay, whether you know or not, okay. मुझे personally जानते हो या नहीं जानते हो ये matter नहीं करता, okay. स्टूडेंट स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट्स अपने हैं, ओके. तो ये ऐसा मान के चलो ये अपना चैनल है, ओके. ये आपका अपना यूट्यूब चैनल, ओके, जहाँ में कोई भी डाउट होने से आई एम हियर टू क्लियर दैट डाउट, ओके. यस एंड डोंट फील एनी टाइप ऑफ हेजिटेशन व्हाइल आस्किंग सम डाउट्स व्हाइल क्लियरिंग योर कन्फ्यूजन, ओके. कोई भी चीज़ है उसको कन्फ्यूज होता है या कोई डाउट होता है, ओके, तो मेक श्योर आई एम हियर, ओके, आई विल क्लियर एवरीथिंग, ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक इन दिस लेक्चर, ओके, विल सी फॉरवर्ड, ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द लेक्चर, ओके, आगे देखेंगे, ओके, विल मीट टू अगेन, ओके. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ओके. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन, ओके. जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो नाउ, अभी, ओके.